नर्सिंग घोटाला और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल, जबलपुर, मुरैना, ग्वालियर समेत अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने हंगामा किया। सदन में कांग्रेस के विधायक एप्रन पहनकर पहुंचे। उधर सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करना जानता है। नर्सिंग घोटाला, कांग्रेस का बड़ा हमला। घोटाले की लड़ाई सड़क से सदन तक आई। कल्प्रेट है जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, अभी भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। ऐसे लोगों को भी सरकार की जांच होना चाहिए। हंगामा करने का क्या अर्थ है? तथ्य है या आपके पास में कोई प्रमाण है तो आप पेश करिए, अन्यथा अभी तक की जो जांच है उसमें तो ये भी बात सामने आई है कि तत्कालीन जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उनकी संलिप्तता है। कांग्रेस का प्रदर्शन हाई, अब आर पार की लड़ाई। ये तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियाँ उनको है भी नहीं, तो जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। नर्सिंग घोटाले और पेपर लीक का मुद्दा मध्य प्रदेश में गर्मा गया है। कांग्रेस ने घोटाले पर संग्राम छेड़ दिया है। सड़क से सदन तक घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। उधर बीजेपी का दावा है कि घोटाले के तार कांग्रेस सरकार में रहे मंत्रियों से जुड़े हैं। खैर, अब सवाल है, अगर घोटाले की जांच हुई तो कहां तक आंच पहुंचेगी? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। नर्सिंग घोटाले के तार कहां तक हैं और जांच में किस किस पर आंच आएगी, वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर नर्सिंग घोटाले पर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। महाडिबेट में आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे, सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा, नर्सिंग घोटाला कहां तक जांच की आंच पहुंचेगी। अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस का विरोध क्या बैकफुट पर सरकार को ला देगा। और तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, कांग्रेस तक तार, बीजेपी के इस दावे में कितना दम है। इन सवालों के इर्द गिर्द आज रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन जुड़ा हुआ है परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत भदौरिया जी, दुर्गेश केसवानी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही अतुल तारे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अतुल तारे जी, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में जो ये ऊर्जा नजर आ रही है सड़क पर प्रदर्शन को लेकर, वो उतरे हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सियासत भरपूर है। अतुल जी, क्या आप सुन पाए मुझे? हाँ जी, अतुल जी, नर्सिंग घोटाले को लेकर जो घमासान मचा हुआ है सड़क से लेकर सदन तक के अंदर, उस पर क्या देख पा रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये जो नर्सिंग घोटाला है और अत्यंत चिंताजनक है, और कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है तो उसका स्वाभाविक अधिकार है और कर्तव्य भी है कि वो इसको लेकर आंदोलन करे। लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना चाहिए कि जब एक बार सरकार स्वयं कह रही है कि इसके को लेकर वो गंभीरता से जांच कर रही है, तो जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा भी की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस संवेदनशील विषय पर स्वयं आगे होकर जो तथ्य हैं उनको सामने रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से इससे कांग्रेस को राजनीति करने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, युवाओं से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है और सरकार निश्चित रूप से इस पर गंभीर है, ऐसा दिखाई देता है। तो वो इसकी जांच को कितनी गति के साथ सामने लाती है और दोषियों को सजा दिलवाती है, तो मुझे लगता है कि फिर इस पर जो राजनीति आज होती हुई दिखाई दे रही है उस पर स्वयं ही विराम लगेगा, क्योंकि यह निश्चित रूप से राजनीति का विषय नहीं है।
युवाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है और सरकार इसको गंभीरता से ले, और सिर्फ ले ही नहीं, वो गंभीरता से ले रही है, ये सामने भी दिखाई दे। ठीक है अजीत जी, सरकार की नीयत पर आप लोगों को संदेह है या फिर क्या ऐसा है कि जो आप सरकार की कथनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो कह रहे हैं कि ना तो हम किसी मुद्दे से चर्चा पर भागेंगे और ना ही हम किसी के साथ नाइंसाफी होने देंगे? देखिए आदरणीय अपर्णा जी, आप इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार का इतिहास उठा के देख लीजिए। इसने युवाओं के साथ छलावा किया, व्यापम कांड किया, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में किया, पीएससी की परीक्षा में किया, जितनी भी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में किया। अब आप देखिए देश में, जबकि नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार है, नीट जैसी परीक्षा जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन मानी जाती थी उस तक में घोटाला हो गया, और देश में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ों युवाओं के अधिकारों के लिए चर्चा कराना चाह रहे हैं, वहां पे भी सरकार चर्चा नहीं कर पा रही। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे नर्सिंग घोटाला हुआ और मध्य प्रदेश को कलंकित किया गया कि नीट का पर्चा भी भोपाल से लीक हुआ। उस नर्सिंग घोटाले में सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये आदरणीय अपर्णा जी पूरे प्रदेश को कलंकित कर रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी उन लोगों से कहना चाहूंगा राजनीति नहीं कर रही, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए युवाओं के अधिकारों पर जो हनन हो रहा है उन अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और सदन में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के साथी विधायकों के साथ सदन में चर्चा की मांग कर रही। क्यों सरकार भाग रही है? सरकार सदन में चर्चा कराए ना प्रदेश में। और विश्वास सारंग पे क्यों भैया इतना विश्वास है आपको? आप उनसे इस्तीफा लीजिए, जांच करवाइए, अगर वो दोषी नहीं होंगे दोबारा से भैया मंत्री बना दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बना दो आप उनको दोबारा से, आप इस्तीफा लीजिए ना अगर सरकार की मंशा साफ है। तो सरकार को सबसे पहले चाहिए युवाओं के बारे में सोचे। शिवराज सिंह जी की 20 साल की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा किया, और अब यही मोहन यादव जी की सरकार ये भी मध्य प्रदेश में युवाओं के हितों की बात नहीं कर रही, बल्कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सदन में चर्चा कराए, पूरे तथ्य सामने आएंगे, कौन दोषी है कौन नहीं। चर्चा से क्यों भाग रहे हो? ये सदन किस लिए? ये सदन प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों की चर्चा के लिए तो आदरणीय अपर्णा जी, फिर सदन में चर्चा की तो मांग कर रहे हैं भैया। सदन में चर्चा करा लो, जवाब दे सरकार, सब चीज साफ हो जाएगी। केसानी जी, जब नियत इरादा सब साफ है आपकी सरकार का, तो फिर चर्चा से परहेज क्यों? कांग्रेस का सवाल है। अपर्णा जी, हम कोई किसी चीज से परहेज नहीं है, मामला जांच में है, जांच चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जो जो कल्प्रिट सामने आ रहा है, जिस अधिकारी की, सीबीआई अधिकारी की ये बात कर रहे हैं, उनका भी मामला जैसे ही सामने आया सरकार ने कदम उठाने से परहेज नहीं किया। यह भाजपा की सरकार है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो कल्प्रिट है, अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर अगर सदन में आप एप्रिन पहन के जाने का मतलब तो आप राजनीति ही करना चाहते हो। आप चर्चा अगर आपको करनी होती तो सदन में ये सब चीजें नाटक नहीं करते। आपके तो उपनेता पहले ही बोल चुके थे कि हम सदन में हंगामा करेंगे, अब ये हंगामा आप कर रहे हो दिख रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन गाड़ी कमाई से चलता है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें लगी होती है, उसको अगर आप ऐसे व्यर्थ करोगे, ये सदन कोई प्रदर्शन का मामला नहीं है कि सदन में प्रदर्शन करने के वजह से कुछ होगा। अरे हमने तो स्पष्ट कह दिया कि 18 में जब कमलनाथ की सरकार थी उसके बाद जो आपने नरसिंह का खेल करना शुरू किया है, आप शायद आप निश्चित रूप से इस चीज को रखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि उन 453 नर्सिंग कॉलेजों को जो आपने मान्यता दी थी, हमने उनको निरस्त करने का काम किया है, हमने ऑनलाइन प्रक्रिया करने का काम किया है, हमने उसमें जो राशि थी उसको बढ़ाने का काम किया है। हम तो उसको सख्त करना चाहते हैं और हमने उसकी दिशा में कदम बढ़ाए। जिन्होंने ये घोटाला किया है अपर्णा जी, जो 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 सिर्फ एप्रीन पहनकर राजनीति करना चाह रहे हैं, पर यह एप्रीन भी उनके गुनाहों को ढक नहीं पाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
सब कुछ कर रहे हैं वो तो, भदौरिया जी वो कह रहे हैं, दुर्गेश केसवानी जी, सरकार सब कुछ कर रही है, अगर किसी रिश्वत ली किसी अधिकारी ने तो जांच ईमानदारी से हुई तभी तो वो भी पकड़ा गया ना। और आपके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, एप्रन पहनकर पहुंच जा रहे हैं हाउस के अंदर। और अपर्णा जी ये एक और बात कह रहे थे कि युवाओं के अधिकारों की लड़ाई ये लड़ने वाले हैं, ये कभी युवाओं की लड़ाई नहीं लड़े, ये लोग तो वो हैं जिन्होंने युवाओं को ढोल बजाने ढोल चराने में लगा दिया था कमलनाथ की सरकार में, ये युवाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। और ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, ये ए से जेड तक जो इस पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार किया हो, जिनके सब नेता जमानत पे भ्रष्टाचार के मामलों में बाहर चल रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही हो, वो भ्रष्टाचार की लड़ाई। ठीक है, जवाब तो ले लेते हैं केसारी जी, जवाब जी भदौरिया जी बोलिए। देखिए आदरणीय अपर्णा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की हास्यास्पद बातें जो सुन रहा होगा देख रहा होगा उसको भी हंसी आ रही हो। 18 वर्ष में युवाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया, ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए, हर परीक्षा में घोटाले पे घोटाला। मैं तो कह रहा हूँ भैया, आप आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार का जिक्र कर रहे हो, 327 में नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता पहले दी थी उसमें 267 कॉलेजों को निरस्त किया गया हमारी सरकार में, उनको कमियां निकाल के निरस्त की गई उनकी मान्यता। आपके यहाँ देखिए ना, एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं, आप नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना रहे हो उनको जाके, क्या पोस्टें हो रही हैं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है आदरणीय अपर्णा जी। मैं तो कह रहा हूँ विश्वास सदन में चर्चा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप तो सदन में चर्चा करा लीजिए, अगर ये सारंग की सारंगी ना बच जाए सदन के अंदर और शर्म के मारे विश्वास सारंग इस्तीफा देके ना जाए तो आप जो कहिए वो करने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। इसीलिए ही दुरुपयोग करते हैं हर प्लेटफॉर्म का, इनको सदन में हंगामा करना है जो चर्चा के लिए जाना जाता है, चैनल पर ही अपशब्दों का इस्तेमाल दिशा मुड़ जाती है, व्यक्तिगत मत होइए, किसी पर हमला मत कीजिए, ठीक है। हाँ मैंने इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपत्ति बता दी है केसवानी जी, ठीक है। सुनिए अपर्णा जी, इनके अपर्णा जी इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ेगी, ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं क्या आदरणीय अपर्णा जी? ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं क्या कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष? अच्छा ठीक है, देखिए रवि परमार जी, रवि परमार जी जो सर ब्लोअर नर्सिंग घोटाले के वो जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि परमार विसल ब्लोअर है नर्सिंग घोटाले के, उनका रुख कर रही हूँ मैं। सारंगी बजना तय है, मैं कह रहा हूँ दुर्गेश भदौरिया जी, क्या आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें मत कीजिए, क्योंकि देखिए हमारी बहस डीरेल हो जाती है। मुख्यमंत्री कह रहा है मत कीजिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री कह रहा है कि राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। अरे आप ये अरे मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मत कहिए ना, आपके बाद मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। एक मिनट देखिए, युवाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, अगर कांग्रेस युवाओं के मुद्दे पर इतना गंभीर है तो चर्चा भी गंभीर होनी चाहिए ना भदौरिया जी, चर्चा गंभीर होनी चाहिए भदौरिया जी, ठीक है। आपके मुंह से ही सुना रवि परमार जी, अरे वॉल्यूम बंद कर लोगे क्या करोगे, जनता छात्रों का वॉल्यूम बंद नहीं कर पाओगे दुर्गेश भाई? अरे दोनों को देश के नेता के लिए आपके मुख्यमंत्री, ठीक है। रवि परमार जी, जो इस पूरे मामले जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, पहली बात तो ये कि क्या उस इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि इस मामले में विसल ब्लोअर हैं आप, और दूसरा जो प्रदर्शन हो रहा है क्या लगता है कि दबाव बन पाएगा इससे? सरकार तो कह रही है कि हम सिंसेयर हैं और पूरी गंभीरता के साथ इस मामले में जो सच है सामने आने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, तो दिक्कत कहां पर है? देखिए जिस तरह से जांच चल रही है पूरे नर्सिंग घोटाले की, और इस पूरी जांच में जिस तरह से लीपापोती की जा रही है वो सामने आ रही, जब देश की संवैधानिक एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले में बिक गई तो जो जांच कर रहे हैं अधिकारी मध्य प्रदेश शासन के वो नहीं बिकेंगे, इसकी क्या जवाबदारी है? दूसरी चीज, जो दोषी अधिकारी है उनको सिर्फ दिखावे के लिए अभी 111 लोगों को सरकार ने नोटिस जारी किए, अगर वो दोषी हैं और सिद्ध हो गया इस रिपोर्ट में कि जिस तरह से वो दोषी है तो उनको तत्काल बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है सरकार?
उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? मतलब मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा पूरा कि पूरी तरह से नर्सिंग घोटाले में जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास कर रही है सरकार, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने 2018 में मार्च 2018 में नए नियम बनाकर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहीं देखा जाए 2020-21 में जब फर्जी नर्सिंग कॉलेज 219 नए कॉलेज, मतलब विश्व में ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं, क्योंकि 219 नर्सिंग कॉलेज एक साल में नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो उन कॉलेजों का स्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास अस्पताल नहीं थी, उसके पास बिल्डिंग तक नहीं थी, मतलब वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे आप खुद सोचिए, ना उनके पास लैब है, ना ट्रेनिंग देने के लिए अस्पताल है। अगर ये ऐसे नर्सिंग स्टाफ बनकर अस्पताल में पहुंच गए तो फिर मध्य प्रदेश की जनता के साथ किस तरह से खिलवाड़ होगा, मतलब ये तो आप साफ तौर पर देख लीजिए कि मरीज अगर इलाज करवाने गया है तो वहां का नर्सिंग स्टाफ उनको अगर नर्सिंग घोटाले से निकला है तो यमराज के दर्शन करवा देगा। और जिस तरह से पूरे घोटाले की जांच की बात की जा रही है तो इस घोटाले में तो जांच स्पष्ट हो चुकी है और फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का वो सामने उजागर हो चुका है कि किस तरह से फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। और हमने आपके चैनल के माध्यम से कई तथ्य दिखाए, कई कॉलेज ऐसे दिखाए जो स्कूलों की बिल्डिंग में चल रहे थे, कई कॉलेज ऐसे दिखाए जो किराए के डुप्लेक्स में चल रहे थे, कई कॉलेज हमने ऐसे दिखाए जो सिर्फ दो शटरों की दुकानों में चल रहे थे। तो ये पूरा सिद्ध होने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं मान रही है कि नर्सिंग घोटाला हुआ है तो फिर इनके लिए भगवान ही मालिक हैं, जिन्होंने फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोलकर और मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। आज मध्य प्रदेश के 1,00,000 छात्र हैं जिनके भविष्य के साथ मध्य प्रदेश में खिलवाड़ हुआ है, जिनके 3 सालों से परीक्षा नहीं हो रही है, छात्र कहां से लोन लेकर पढ़ाई करता है, ये मध्य प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। आज अगर आपके और मेरे परिवार के परिजन अस्पताल में भर्ती होंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर व्यापम से तो नहीं निकला है, नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग घोटाले से तो नहीं निकला है, अगर ये दोनों उस घोटाले से निकले तो हमें उनसे बचना होगा और ये अस्पताल में हमने सावधानी बरतना पड़ेगी। अब जिस तरह से देखा जा रहा मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर गंभीर है क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। और जिस तरह से अस्पतालों में हमने कोरोना काल में देखा कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सवाल है, और खासतौर पर वो छात्र जिन्होंने बड़ी मेहनत से वो रकम इकट्ठा की होगी फीस चुकाने के लिए और जो उम्मीद कर रहे होंगे कि 3 साल बाद उनका भविष्य बेहतर होगा, उनके परिवार का कल बेहतर होगा, लेकिन वो अभी भी अधर में ही हैं। अतुल तारे जी, यहां पर सवाल लगातार ये भी उठ रहा है, ठीक है घोटाला हुआ, खुलासा हुआ घोटाले का, जांच चल रही है, जांच में कई परतें उखड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ही क्या जांच सीमित रह जाएगी, या जो बड़े नाम है, जो बड़े पद पर बैठे होंगे, जिनके संरक्षण में यह घोटाला हुआ होगा, क्या कभी वो नाम भी सामने आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस के तार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कह रही है कि तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे जो मैंने प्रारंभ में भी कहा कि एक संवेदनशील विषय को आप बहुत राजनीतिक रंग देंगे तो कभी भी परिणाम पर नहीं पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये कहा है कि वो जांच कर रही है और वो चर्चा से भाग भी नहीं रहे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जांच के निष्कर्ष हमारे सामने आए भी नहीं है, तो एक प्रतीक्षा करना निश्चित रूप से आवश्यक रहेगा। जहां तक ये बात सही है कि ये सिर्फ घोटालों के तार कई उच्च स्तर तक जुड़े हुए हैं, इसकी आशंका और संभावना बराबर बनी हुई है, लेकिन पहले से ही ये मान लेना कि सरकार बचा रही है, सरकार दोषियों को सजा नहीं देगी, तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर हम अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से मामला डिरेल होगा। और पूरे सम्मान के साथ अजीत जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी उन्होंने जो बात कही ना, कि मुद्दा ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस सारे घोटाले में विश्वास जी की संलिप्तता है या नहीं है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन सारंग की सारंगी बजा देंगे, इस तरह के बयान आएंगे तो हमें लगता है कि हम किसी को सजा दिलाना या इस घोटाले की तह तक पहुंचना नहीं चाह रहे, हम युवाओं को न्याय दिलाना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर ये विषय को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए कि वो निश्चित रूप से दबाव बनाए, लेकिन दबाव सकारात्मक बनाए, दिशामूलक बनाए और परिणाम तक पहुंचे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए हम इस घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी
सरकार के कदमों का हमें इंतजार करना चाहिए। और चूंकि चिकित्सा मंत्री रायन शुक्ला जी ने भी कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो हमें उसके उनके दावों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और कांग्रेस बेशक इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाते हुए संवेदनशील विषय को आगे बढ़ाए और सरकार मैं पर भदौरिया जी बहुत देर से जी तारे जी मैं भदौरिया जी के पास ही जा रही हूँ आप ही की बात को आगे करते हुए, लेकिन मैं अपनी एक बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ। देखिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो वो प्रदर्शन छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए होना चाहिए, ना कि कोई व्यक्तिगत बदला लेने के लिए। भदौरिया जी किसका व्यक्तिगत बुराई है? आदरणीय अपर्णा जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की विश्वास सारंग जी से क्या बुराई है भैया? हमारे कोई उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमीन तो दबाई नहीं है, ये तो साफ साफ छात्रों के हितों का मामला है। जैसे आदरणीय अभी परमार जी ने बताया, रवि परमार जी ने, उनके कार्यकाल में इतने कॉलेजों को मान्यता मिली, नियमों को परिवर्तित करके मान्यता मिली, ऑन डॉक्यूमेंट्स है। इसमें कहाँ है छात्र हितों की लड़ाई को अगर आप लोग ही राजनीति कहोगे, मैं तो तारे जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्रोतों का उपयोग करें और कहें कि विधानसभा में चर्चा करा लो। सार गर्भित कैसे चर्चा होगी आदरणीय तारे जी, आप ही बता दीजिए। अगर ये राजनीति है तो छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ें, सड़क पर संघर्ष नहीं करें, तो आप लोग जो कहोगे कि कांग्रेस पार्टी घर बैठी है, कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं रही, इतना बड़ा घोटाला आ गया। आदरणीय तारे जी, इस सरकार का इतिहास रहा है हर घोटाले पे लीपापोती की गई, चाहे वो व्यापम घोटाला हो चाहे कोई हो। इसके इतिहास को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का एक एक युवा ये मानता है कि युवाओं के अधिकारों का हनन अपने भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से करती चली आई है, और अगर ये इसमें निर्णायक निर्णय नहीं हुआ तो आगे भी करती रहेगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ चलावा, उसमें आदरणीय तारे जी आपका भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा है। चर्चा केसवानी के अंदर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो किसी चीज से बचने का काम ही नहीं कर रहे, सदन चल रहा है, सदन जनता की गाढ़ी कमाई से चलता है। हम भी चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हो जो जनता की आवाज बने, पर ये तो ताकत दिखाने का जरिया बन गया। एप्रिन पहनकर पहुंच गए सदन में, हंगामा करना खड़ा कर दिया। और मैं तारे जी से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सहमत हूं कि उन्होंने जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी आंखें खोलने का काम किया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं रवि परमार जी से भी बात करना चाहूं, मुख्यमंत्री जी को भी कि रवि परमार कैसे बोल रहे हैं कोरोना काल में मध्य प्रदेश में, ये क्या है? ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनका उनका जो पृष्ठभूमि है वो कहीं से जुड़ी हुई है नितल ग्रोवर की। अगर वो कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना में लोग और आप ठीक है, मुद्दा छात्रों का है, सवाल छात्रों के भविष्य का है, चर्चा उस पर होनी चाहिए और उस चर्चा का निष्कर्ष निकलना चाहिए, ये भी जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए। और सड़क पर कांग्रेस उतरी हुई है, सदन के अंदर चर्चा की मांग कर रही है, अब देखना यह होगा कि चर्चा कब तक होती है। लेकिन बड़ा सवाल तो छात्रों के भविष्य को लेकर अभी भी उनके सामने खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, जुड़ी रहिए।